नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से आ रही है योगी कैबिनेट की बैठक। बैठक में कुल 22 प्रस्ताव हुए पास। पर्यटन औद्योगिक विकास के प्रस्ताव भी पास। प्रदेश में 4 निजी विश्वविद्यालयों को मिली अनुमति। अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए प्रस्ताव पास। अयोध्या में 65 करोड़ से बनेंगे 2 नए मार्ग। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का होगा चौड़ीकरण और विस्तार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर योगी कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक में कुल 22 प्रस्ताव पास हुए हैं। पर्यटन और औद्योगिक विकास के प्रस्ताव भी पास हुए हैं। प्रदेश में 4 निजी विश्वविद्यालयों को मिली अनुमति। अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए प्रस्ताव पास। अयोध्या में 65 करोड़ से बनेंगे 2 नए मार्ग। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का होगा चौड़ीकरण और विस्तार। विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी देवी धाम में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जमालपुर के देवकल इंटर कॉलेज पहुंचे। वहीं जमालपुर में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के घर पर पहुंचकर उनकी माता जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके बाद वह कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ वार्ता कर परिवार के अन्य सदस्यों से भी मिलकर शोक संवेदना उन्होंने प्रकट की। साथ ही विंध्यवासिनी धाम में पहुंचकर सबसे पहले माँ विंध्यवासिनी का विधि विधान पूर्वक दर्शन पूजन किए। दर्शन पूजन के बाद वे मंदिर में चल रहे उनके ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण करने भी पहुंचे और निरीक्षण के दौरान विंध्यांचल मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करने के लिए आए दिव्यांगों और वृद्धजनों के त्रिकोण करने के लिए 8 नए किस्म का ई रिक्शे की हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर जनपद के आलाधिकारियों और विंध्य कॉरिडोर से संबंधित विभाग और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की गई। बैठक के दौरान उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द अपने तय समय से पूरा करने के निर्देश भी दिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी 2 दिवसीय दौरे पर मिर्जापुर पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के गांव पहुंचकर उनकी मां के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की और शुक्रवार की सुबह विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी का दर्शन भी किया। साथ ही पूजा भी की गई। साथ ही निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का अवलोकन किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी कार्यालय बरौधा कचार पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उपमेश पाल हत्याकांड को लेकर कहा कि अपराधी माफिया सपा के कार्यकाल के पाप है। बीजेपी में माफिया को संरक्षण नहीं दिया जाता। सरकार माफिया अपराधियों के खिलाफ कानून का राज स्थापित करने के लिए संकल्पित है। इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के अपराध करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कानून का राज स्थापित करने के लिए काम किया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प के साथ ही बीजेपी ने घोषणा पत्र में जो भी कहा है उसको पूरा करने का काम किया जा रहा है। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और आप लोग भी, आपके पास का ही विषय है, ये सारे अपराधी माफिया ये सब समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय का ही पाप है। उन्हीं की सरकारों में संरक्षण पाकर ये लोग इतने ताकतवर हुए हैं। लेकिन सरकार संकल्पित है और हम लोग इसी जनादेश के साथ सरकार में आए हैं कि बेहतर कानून का राज हमें स्थापित करना है। और जो माफिया हैं, अराजक लोग हैं, दंगाई हैं, आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी है। सरकार उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। बुलंदशहर में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सदर से बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी जमकर थिरके। इस मौके पर विधायक ने कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। विधायक ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास से भारी बहुमत से जीत मिली है। उन्होंने बताया कि 1 साल के कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि योगी सरकार में गुंडे, बदमाश, माफियाओं पर भी लगाम लगी।
अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। साथ ही G20 इन्वेस्टर्स समिट पर बोलते हुए विधायक ने कहा कि इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उल्लास है और होली मिलन समारोह भी है। होली मिलन समारोह मेरे एक साल भी विधायक के रूप में पूर्ण हो गए। सरकार ने बेमिसाल काम करे एक साल में, जो भूतों न भविष्यति आज तक नहीं हुआ। 70 साल बाद कोई सरकार ऐसी आई है जो जनता के बारे में सोचती है, गरीब मजदूर बेसहारा वंचित सभी के बारे में सोचती है। आपने बजट देखा होगा, हर वर्ग के लिए बजट रखा गया, चाहे उसमें गरीब है, नौजवान है, बूढ़ा है, सभी के लिए बजट लाए। हर वर्ग उससे खुश है। आदरणीय योगी जी से प्रदेश की जनता खूब खुश है, क्यों गुंडा रहित, माफिया रहित, रंगदारी रहित, दंगा रहित प्रदेश। ये अब से सरकार बनी है, एकमात्र दंगा प्रदेश में नहीं हुआ। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज आपकी उपलब्धियां हैं? मेरी उपलब्धि है, जब से मैं यहाँ विधायक बना तब से जनता की जो मूलभूत आवाजें थी मैंने सदन तक उठाई। और बुलंदशहर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गला दबाकर युवक की हत्या, तीसरी मंजिल पर मिला युवक का शव। युवक के गले पर पाए गए रस्सी के निशान, फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस के अधिकारी रहे मौजूद। युवक को देर रात छत पर सुलाकर आए थे पिता। शिकारपुर कोतवाली के गांव अजनारा का मामला। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिकारपुर कोतवाली के गांव अजनारा में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। गला दबाकर युवक को मौत के घाट उतारा है। तीसरी मंजिल पर युवक का शव मिला है। बताया जा रहा है कि युवक को देर रात उसके पिता छत पर सुलाकर आए थे, लेकिन सुबह जब परिवार उसे उठाने पहुंचा तो युवक नहीं उठा, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद फॉरेंसिक की टीम भी पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। पाया गया कि शव के गले पर रस्सी के निशान है, जिससे अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि हत्या की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर अब आगे की जांच शुरू कर दी और हर एंगल से जांच की जा रही है। अब खबर हमीरपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध असलाह कारतूस बरामद भी किए हैं। बता दें अपराधी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा था उसमें थाना राठ, मुस्करा और जरिया में अभियोग पंजीकृत थे, जिसके संबंध में उन्होंने गिरफ्तारी की। राठ थाना से क्षेत्र से मुन्नू और पुष्पेंद्र पुत्र भगत सिंह निवासी राठ, करण राजपूत, आकाश वसीर, ब्रजेश राजपूत, आशीष राजपूत, आकाश ब्रजेंद्र, धनपत राघवेंद्र, नीलेंद्र नीलू, कुल 10 मुलजिम अरेस्ट किए गए और जिनके पास से भारी मात्रा में तमंचा, जिंदा कारतूस, मोबाइल, नगद रुपए। पेपर में केवल इस कारण था, मीडिया की गलती नहीं, उन्होंने छाप दिया। बताते रहो, उतना बढ़ता रहो। और बस्ती से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बाइक और कार के बीच हुई टक्कर हादसे में गड्ढे में गिरी कार और बाइक। हादसे के बाद कार में लगी आग, कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दो बाइक सवार गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। रुधौली थाना क्षेत्र के दसिया के पास हुआ हादसा। तो बस्ती की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रुधौली थाना क्षेत्र के दसिया के पास यह हादसा हुआ है। बाइक और कार के बीच टक्कर हुई है। हादसे में कार और बाइक गड्ढे में जा गिरी। हादसे के बाद कार में आग लग गई, कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई, तो वहीं दो बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं बस्ती से, जहां पर
विधौली थाना क्षेत्र के दसिया के पास सड़क हादसा हुआ है, कार और बाइक में टक्कर हुई है। हादसे के बाद कार में आग लगी, हालांकि किसी तरह कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई है, तो वहीं दूसरी तरफ दो बाइक सवार गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है कार यहां पर जलती दिखाई दे रही है। कार और बाइक में टक्कर हुई, जिसके बाद नियंत्रण खोकर दोनों गड्ढे में जा गिरे और जिसके बाद कार में आग लग गई। किसी तरह कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन हादसे में बाइक सवार दो युवक घायल हो गए हैं। झांसी के मऊरानीपुर में एक विधवा महिला के बेटे को जान से मारने की धमकी देकर देवर ने उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला और शिकायत करने पर बेटे को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इसके बावजूद जब पीड़िता ने घटना परिजनों को बताई तो पीड़िता के बड़े बेटे को अपने कब्जे में रखकर मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने मऊरानीपुर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं पीड़िता ने बताया कि उसके बड़े बेटे को उन लोगों ने अपने कब्जे में किया हुआ है और जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। पीड़िता ने मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर अपने बेटे को बचाने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। एक साल पहले मौत हो चुकी है, मेरे देवर ने जो मुझ पर गंदी नजर डालते हैं और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, और जब मैंने कहा मैं इस बात को कहूंगी तो उन्होंने मुझे जान से मारने के, मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी है। और जब मुझे अपने घर पर भी कभी बात नहीं करने देते हैं, मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी तो मैंने कहा मुझे मायके जाना है, तो कहने लगे नहीं जाना है। फिर मैंने दोबारा यही बात कही तो उन्होंने की जाओ, लेकिन किसी से कुछ भी कहा तो एक बच्चा मेरा बड़ा उनके पास है, कह रहा उसे जान से मार दूंगा पर तुमने किसी से भी कुछ कहा है। और मैंने जब घर पे गई तो ये बात मैंने अपने पिता को बताई तो उन्होंने डिप्रेशन में आकर उनको बहुत ही ज्यादा इतने बीमार हो गए, उनको ग्वालियर ले जाना पड़ा और वो क्या होता है ऑपरेशन हुआ उनका, इतना ज्यादा उन्होंने सदमा कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह और क्षेत्राधिकारी माहौली अमन सिंह के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच और थाना माहौली की संयुक्त पुलिस टीम ने 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिससे एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस, 315 बोर के एक बाइक बरामद भी हुई है। आरोपी थाना मोहाली पर पंजीकृत गौकशी के अभियोगियों में काफी समय से वांछित चल रहे थे, जिस पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। आज दिन दहाड़े लगभग 1:15 बजे एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक कुख्यात अपराधी बाबर पुत्र फकीरे बुरसंडा का रहने वाला है थाना पिसावा का, वो गंभीर रूप से घायल हो गया है और इसमें हमारे एसएचओ महोली अनुप कुमार शुक्ला की डीपी जैकेट में भी बुलेट लगी हुई है। जानकारी ये हुई कि आज हमारी पुलिस चेकिंग में मामूर थी, इसी बीच में हमारे यहाँ एक गाँव कुशैला है उसकी नहर पर जैसी पुलिस पहुंची, एक बाइक पर दो लोग आते हुए देखे तो रोकने का प्रयास किया गया, उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया जिसमें एक गोली हमारे एसएचओ की बीपी जैकेट में लगी और आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में जो अपराधी था गंभीर रूप से घायल हो गया, उसको तत्काल सीएससी मोहली लाया गया इलाज के लिए, जहां जानकारी हुई कि ये कुख्यात जो दो तस्कर है जो तमाम कदमों वांटेड था बाबर सदाफ फकीरे है जो गुरसंटा के साथ मूल निवासी है, उसके मुकदमे दर्ज हैं, उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम पहले से पुलिस घोषित था। और अब खबर रामपुर से है, जहां तहसील शाहबाद में आपसी रंजिश को लेकर हुए दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक को गोली मार दी और शव को पिकअप में डालकर फरार हो गया। दरअसल थाना शाहबाद ग्राम पंचायत केसरपुर निवासी ने थाना शाहबाद पुलिस को सूचना दी थी कि उसका भाई गांव के बाहर बैठा था, तभी गांव के कुछ लोग आए और उसके भाई को सड़क पर ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके शव को एक पिकअप गाड़ी में रखकर ले गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की, जिसमें पुलिस को देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और बदमाश के पैर में गोली मारकर मौके से धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि दोनों बदमाशों का उपचार शाहबाद सीएससी में जारी है, दोनों बदमाशों का नाम रामनिवास और श्रीपाल है। कल केसरपुर निवासी बेनाम सिंह ने रात में 8:30 बजे करीब थाना शाहबाद को सूचना दी कि उसका भाई गांव के बाहर मंदिर पर बैठा था,
तभी गांव के कुछ लोग आए और वो सड़क पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी गोली मारकर, और उसके सबको एक पिकअप गाड़ी में रखकर ले गए। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पूरे जो अभियान था इसका नेतृत्व किया गया और जनपद के 10 थानाध्यक्षों की टीम बनाई गई। ये घटना तो आपसी रंजिश को लेकर हुई थी, लेकिन ये चैलेंजिंग था कि जो अभियुक्त है वो गोली मार कर हत्या कर और अब खबर रामपुर से है, जहां पनवड़िया पुल के नीचे अज्ञात महिला का शव मिला है। शव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बता दें रामपुर के बरेली रोड स्थित पनवड़िया पुल के नीचे नाले में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा और मामले की जांच में जुट गई है। खबर सोनभद्र से है, जहां जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के खलियारी बाजार में रहस्यमय ढंग से बता दें कि दो कपड़ों की दुकानें जलकर खाक हो गई, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। आपको बता दें कि खलियारी बाजार में शमशाद वस्त्रालय पारसनाथ जायसवाल के घर के बगल में पारसनाथ की भी दुकान है और दोनों दुकानों में बीती रात लगभग 2 बजे धुएं का गुब्बार निकलने लगा, जिसके बाद ड्यूटी पे तैनात होमगार्ड संजय पांडे जैसे ही उसने देखा तुरंत शोर मचाकर इसकी सूचना दुकान मालिक को दी गई। आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तब तक शमशाद वस्त्रालय पूरी तरह से जल चुका था और पारसनाथ जायसवाल की दुकान भी आधी जल गई थी। इस आग की वजह से शमशाद वस्त्रालय में लगभग 6 लाख और पारसनाथ जायसवाल का 3 लाख का नुकसान हो गया है। दुकान मालिकों का आरोप है कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी है, किसी ने लगाई है। मामले की सूचना पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मामला ये है कि किसी ने व्यक्ति आकर ठीक पेट्रोल लगाकर फूंक दिया मेरा दुकान 1 करोड़ का। कोई कार्रवाई अभी कोई कार्रवाई नहीं किया गया, कोई नहीं आया। एप्लीकेशन आपने दिया था थाने में? हाँ किए हैं। किसी ने 1 बजे रात को आकर पेट्रोल से फूका गया। पेट्रोल से? इसमें कितने का सामान जल के खाक हुआ है? 5 लाख का था। 5 लाख का? पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई किया गया? कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन ने कोई करवाई नहीं? कोई नहीं किया था, प्रशासन आई हटाने के लिए कहा, हटाए। अभी तक एफआईआर नहीं होया है, हो चुका है, कोई कार्रवाई नहीं है। नंदग्राम थाना इलाके के सिहानी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आधा दर्जन से अधिक झुग्गियों में आग लगने से झुग्गियों में मौजूद लोगों को अपनी जान का खतरा मंडराने लगा। आपको बता दें कि इस बीच स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना भी दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आनन फानन में झुग्गी में लगी आग को बुझाने का कार्य शुरू कर दिया। हालांकि झुग्गियों में मौजूद लोगों को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक युवक इस बीच मामूली रूप से झुलस भी गया। कड़ी मशक्कत के बाद करीब 1 से 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया गया। आग लगने से किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। झांसी के मऊरानीपुर में सुरभि गौशाला के संचालक ब्रजेश पाठक ने कच्ची घानी के रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 कोलू बैल के मॉडल तैयार किए, जिसके माध्यम से उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार तैयार कर स्वावलंबी बनाने का संदेश दिया। आपको बता दें कि मऊरानीपुर के ब्रजेश पाठक ने सुरभि गौशाला में 3 कोलू के मॉडल तैयार किए हैं, जिसमें आवारा बैलों की मदद से बिना बिजली और कम लागत के शुद्ध
देसी तेल उपलब्ध हो सकेगा, जिसमें उन्होंने तैयार किए मॉडल के माध्यम से बताया कि किस तरह से आज के युवा मात्र 30 से 40 हजार की लागत लगाकर अपना रोजगार और व्यापार शुरू कर सकते हैं। इससे कई फायदे भी सामने आएंगे। कई हमने ऐसे अपनी यहाँ आविष्कार किए हैं जो किसी से कोई मतलब नहीं रहा और हम उसको कर दिया। तो हम गाय के बीच में हैं, पुरानी पद्धति जो हमारी थी उसके हिसाब से हमें लगा कि हमको कच्ची घानी का काम बैल के द्वारा करना चाहिए, क्योंकि हमारा बैल कट रहा था और बैल की हमारे यहाँ कीमत नहीं है। हमारा बैल किसान भी हमारे बैल से परेशान है और बैल किसान से परेशान है, वो जहाँ जाता वही मारते हैं, जहाँ जाता वो वही मारते हैं उसको। तो उसके लिए हमने ये सोचा कि अगर हम ये कच्ची घानी वाला काम करें तो इससे हमारे बुंदेलखंड का बैल सुरक्षित हो जाए। नोएडा के सेक्टर 50 में डॉग शेल्टर का उद्घाटन किया गया। बता दें कि उद्घाटन सीईओ रितु माहेश्वरी ने किया है, जहां सेक्टर में खुखार और बीमार कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा। यह डॉग शेल्टर आरडब्ल्यूए समिति अपने खर्च से तैयार किया है। वहीं शेल्टर होम में कुत्तों के इलाज के लिए डॉक्टर हमेशा मौजूद रहेंगे। हम लोग सुनते और पढ़ते आ रहे हैं वो नाम है। और जहाँ तक स्पेशली डॉग्स की बात है तो बहुत सारे हम लोगों के बीच में से डॉग लवर्स भी हैं, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इस डॉग शेल्टर का मिसयूज़ भी ना हो। जो स्ट्रे डॉग्स वाकई में जिनको ज़रूरत है कि डॉग शेल्टर में थोड़े दिन हाउस किया जाए, फीड किया जाए, स्टरलाइज किया जाए, उसके लिए एक ये व्यवस्था है। यद्यपि नोएडा अथॉरिटी डॉग शेल्टर होम है जिसमें अराउंड 700 डॉग्स किसी भी समय में रहते हैं और उसको एजेंसी मेंटेन करती हैं। कि डिसेंट्रलाइज तरीके से रेजिडेंट्स को लगातार दिक्कत आती है, तो डिसेंट्रलाइज तरीके से डॉग शेल्टर्स बनाए जाएं जिसमें अथॉरिटी एक इनिशियल सेटअप बना के देगी और संचालन की व्यवस्था आरडब्ल्यूए करेगी। गरीब और असहाय परिवार की बेटियों की शादी का बीड़ा उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया और हर साल कई हजार जोड़ों का सामूहिक विवाह कराकर एक मिसाल पेश की जाती है। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर जिले के बिस्कोहर नगर पंचायत से बीजेपी से भावी प्रत्याशी राजेश अवस्थी उर्फ करिया बाबा ने अपने नगर पंचायत क्षेत्र के 5 ऐसे गरीब परिवार की बेटियों की शादी कराई, जिसमें एक बेटी ऐसी थी जिसके सर पर न तो पिता का साया था न माँ का। उसका सारा बन पूरे रीति रिवाज से शादी के समान जीवन यापन के सारे सामान के साथ अपने निजी खर्च पर सामूहिक विवाह कराकर एक मिसाल पेश की है, जिसकी सराहना दुल्हन बनी बेटी और दूल्हा जमकर कर रहे हैं। राजेश अवस्थी का कहना है कि अपने क्षेत्र में जहां जाता हूं और उन गरीब परिवारों से मिलता हूं तो मुझे देखकर बहुत दुख होता है। ये प्रण लिया है कि मेरे देखते किसी बेटी की शादी नहीं रुकेगी। आज भी 5 शादियां कराई है। मुझे 11 बेटियों की शादी करानी थी लेकिन 5 जोड़े ही मिले जिनकी शादी कराई जा सकी और आगे समाज सेवा का काम इसी तरह वे जारी रखेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है हमको क्योंकि उनका जो है अपना कार्यक्रम एक अपना समाज सेवा के लिए, देश समाज सेवा के लिए कर रहे हैं वो। और जैसे ये अपना दहेज प्रथा का है कि उसमें क्या है, लड़की वाले परेशान होते हैं, उनको सामान देने को उनको नहीं हो पाता है। इस सब चीज़ को समाज को देख के उन्होंने सबको एक साथ मिला के सबको एक संदेश दिया है कि सब एक साथ मिल के एक दूसरे की मदद करके, और भी कोई समाज सेवा वाले हैं जो मिल के साथ में ये समाज को सेवा में लगाए। सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत बिस्कोहर में मेरे साथ एक समाज सेवी हैं राजेश अवस्थी जी, इनसे बातचीत करेंगे। गरीब बच्चियों की जो है शादी करवा रहे हैं, सामूहिक विवाह की तरह सामूहिक विवाह करवा रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि कितनी बच्चियों की ये शादी करवा रहे हैं और क्या सहयोग कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। राजेश अवस्थी जी स्वागत है मेरे साथ। आप सामूहिक विवाह का आयोजन करवा रहे हैं तो ये किसके सजान से हो रहा है, जो खर्च आ रहा है कौन कर रहा है? ये हमारी टीम द्वारा, हम लोग टीम गठित किए, अपना हम टीम द्वारा हम लोग बैठे जब सुबह आपस में बात किए, फिर चाचा को हमने फोन किया दिल्ली, तो उन्होंने राय लिया तो उन्होंने कहा चलिए हम कन्यादान कर देंगे। आप लोग अपना टीम गठित करके आप चेक कर लीजिए, गरीब बच्ची जो क्षेत्र में अपने हैं उनका शादी इस साल हम लोग 11 शादी करेंगे और ढूंढो 11 शादी, तो 11 तो हम लोग डेली ढूंढते रहेंगे लेकिन 5 शादी हमको मिल पाएगी। 5 शादी आज हो रहा है और फिर मिलेगा तो फिर हम लोग करवाएंगे
आप क्षेत्र में जाते होंगे तो गरीब परिवार से मिलते होंगे, तब ये पता चलता होगा कि ये गरीब है, इनकी शादी नहीं हो, तो आपके दिमाग में आए ये कार्यक्रम करने के लिए कि उनकी शादी क्यों ना हम हमारी टीम द्वारा कराई जाए? जी 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 सर, जहाँ मैं जाते हूँ तो अभी किसी में देखिए बाबू साहेब हैं, बाबू साहेब सिकरा के, उन्होंने आए हमसे बताया कि हमारी लड़की का शादी आज ही के दिन देवी पाटन में होना है भैया सहयोग के लिए। तो हमने कहा सहयोग क्या करना है भाई, हम पूरी शादी करवा देंगे, हमारे पास नौ मार्च को तो हम करने खुद ही कर रहे हैं, पुण्य के काम है। अब सीट क्या पता कि आज अभी कोई पता तो है चुनाव का कि चुनाव ले कर रहे हैं, हम लोग समाज के लिए कर रहे हैं कि कोई देखेगा जनता ऐसा करेगा, हम जीतेंगे तो 11 क्या तो क्यों शादी होगा। जैसा कि ये राजेश अवस्थी जी थे, इनका कहना है हम अपने क्षेत्र में जाते हैं और देखते हैं उन गरीब परिवार के बेटियों की जिनकी शादी नहीं होती, ऐसे लोगों को चिन्हित कर हमारी टीम द्वारा उनकी शादी कराई जा रही है और धूमधाम से रीति रिवाज से कराई जा रही है। दीप यादव, आर्यन टीवी। मैं नगर पंचायत बिस्कोहर में हूँ और यहाँ जो राजेश अवस्थी हैं कालिया बाबा, उनके द्वारा गरीब बेटियों की शादी करवाई जाएगी। एक बेटी मेरे साथ ऐसी है जिसके माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है, उसे जानते हैं कि उसकी शादी हो रही है, उसको कितनी खुशी है। क्या नाम है आपका? आपके मम्मी पापा नहीं है और आपकी शादी जो है राजेश अवस्थी जी करवा रहे हैं, किस तरीके से शादी हो रही है, आपको इसमें कितनी खुशी हो रही है? क्योंकि जिसके सर पे हाथ नहीं होता है मम्मी पापा का, उसका कोई ना कोई सहारा हो जाता है और वैसे कालिया बाबा हम लोगों का सहारा बने हैं। क्या कहना चाहेंगी आप इस तरीके के जो मुहिम चलाकर उन्होंने आपकी शादी करवाई है, उसको लेकर समाज को आप क्या संदेश देंगे? हम यही समाज से कहेंगे कि ऐसे बहुत से लोग हों कि गरीब बच्चियों का शादी करवा दें। आप कितने खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। जैसा कि बात करने पर पता चला, इनका कहना है कि जैसे हम जैसी लड़कियां हैं समाज में जो अच्छे लोग हैं समाजसेवी हैं उनको आगे आना चाहिए, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जिससे गरीब बेटियों की शादी हो और उनका घर बन सके। जो काम राजेश अवस्थी जी कर रहे हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ। दीप यादव, आर्यन टीवी, सिद्धार्थ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।